हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी तड़का में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाजर का हलवा, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी से। आप इसको इजीली घर पे अपने बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 किलोग्राम गाजर ले लिया है, वो भी फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा। और इनको हमने कर लिया है ऊपर से साफ़। तो आपको सबसे पहले तो गाजर को ऊपर से साफ़ कर लेना है, और जो इसका ऊपर का जो छिलका होता है, जो रोंग होते हैं, उसको साफ़ कर लेना है। और उसके बाद कद्दूकस की सहायता से हम इसको सभी जो हमारी गाजर है उसको कद्दू कर लेंगे। और आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने इनको जो कद्दू है वो कर लिया है, सभी जितने हमारी गाजर थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इनको कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इनको कुकर में भर लेंगे। कुकर में हमें इसकी 2 सीटी लगवानी है ताकि जो हमारी गाजर है वो अच्छे से पक जाए। तो ये हमने कुकर में डाल लिया है। अब हम गैस पर कुकर को रखते हैं और 2 सीटी जो है वो लगवा लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई लिया है, इसके अंदर हमने देसी घी डाला है। आप अपने हिसाब से कोई भी घी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी में गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और उम्दा बनता है। तो घी हमारा जो है वो गर्म हो रहा है। तो दोस्तों, हमने जो गाजर उबालने के लिए रखी थी वो हमने उबाल ली है, और कुकर को हमने ओपन किया है। अब जो हमारा घी था वो गर्म हो चुका था कढ़ाई में, हम उसके अंदर जो गाजर है वो डाल देंगे। ये जितनी गाजर हमारी थी वो सारी हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे घी में, और इनको अच्छे से पका लेंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें शुगर ऐड कर देनी है इसके अंदर। शुगर ऐड करने के लिए आप अपने स्वाद अनुसार जितनी मात्रा में डालना चाहें वो शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने शुगर डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर उसको तब तक पकाएंगे जब तक जो इसका पानी है वो बिल्कुल सोख ना ले, यानी जब वो पानी है जो इसका वो जल ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो दोस्तों, इसको अच्छे से हमें कर देना है मिक्स, और आपका जो गाजर का हलवा है वो होने वाला है बिल्कुल रेडी। देख सकते हैं दोस्तों कैसे बिल्कुल गाजर का हलवा एकदम बन करके तैयार हो गया है, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज बना है। दोस्तों, हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। शुक्रिया।